चिराग आ जा, चाहिए जाना ऐसे तेरे लिए रोजा रखा और तेरे ही दिए हुए रिज़्क से इफ्तार करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व वेलकम टू माई चैनल एस्टेला बुखारी ब्लॉग्स। और आज जी रमज़ान की पहली सहरी होगी पाकिस्तान में और पहला रोज़े की हम तैयारी करें। यहाँ पे ये देखें जी, दही वैसे तो जमाई जाती है लेकिन ये ज़रा स्पेशल दही करके जमा रहे हैं बच्चों के लिए, सबके लिए, ताकि वो लस्सी बना सकें, वैसे लेना चाहें ले सकें। तो दूध को किया हमने नीम गर्म, इसके अंदर ये देखें ये हमने ये दही ऐड करनी है और उसके बाद इसको एक बड़े पतीले में ना रख के ढक देना, मतलब इसके ढक्कन दे के एक बड़े पतीले में रखेंगे और ये हमारी रेडी हो जाएगी। जरा ये इंशाल्लाह फिर सहरी के टाइम हम आपको दिखाएंगे कि हमारी दही कैसा बना। तो ये देखिए ये हो गया हमारा तैयार, इसको हम देंगे हम ढक और ये हमारी सहरी के लिए ठीक हो जाग लग गई। थोड़ा पतीला लिया उससे चिपका के रख। और यहाँ पर ये देखते हैं ये हमें किसने गिफ्ट भेजा है, ये जी पहले मतलब कल रोज़ा है और ये हमें भेजे हैं जी साइमा ने, मेरी दोस्त हैं साइमा टॉमी के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने ये हमें समोसियाँ देखी हैं, उन्होंने रेसिपी भी लगाई होगी, वो तो आप उनके चैनल से ही देखिएगा। लेकिन हमसे कल तक की इफ्तारी का बच्चों से वेट नहीं हो रहा, हम अभी इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसे बने हुए हैं। देखिए इस तरह इस पतीले को हम रखेंगे इस बड़े पतीले के अंदर और इसको ढक्कन दे के तो इसको रख देंगे। अब हम इसको सहरी के टाइम ही खोलेंगे, ये ले जाएँ जनाब रखें। और बाहर कह रहे थे अकमल वगैरह, उन्होंने भी रोज़ा रखना है। ये उठाया और यहाँ पर जी ये देखिए रमज़ान मुबारक का ये अब हम खोलते हैं, अच्छी खासी पैकिंग करके उन्होंने भेजा है। बच्चों ने कहा है कि हमने अभी टेस्ट करना है, अब कल तक का हमारा वेट नहीं हो रहा। ये देखिए जी क्या खूबसूरत समोसों की शक्ल है और मुझे लग रहा है कि उन्होंने ना समोसा पट्टी से नहीं बनाए, ये डो भी उन्होंने खुद ही बनाई है। ये देखिए जनाब ये हमारे जी समोसों की शक्ल। तो आज ही आपके साथ बड़ी मज़ेदार से शेयरिंग करने लगे हैं, एक तो खाना पीना, सहरी टू इफ्तारी और साथ ही मेरी बेटी की बर्थडे है वो भी जी, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ एक बड़ा अच्छा हमें सरप्राइज़ मिला वो आपको हम एंड पे दिखाएंगे। यहाँ पे गाइज लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैंने कोई मेरी अपनी तैयारी रहेगी और आज मैं सिर्फ एक माँ हूँ, सहरी इफ्तारी और बस। और यहाँ पे जी मेरी बेटी की माशाल्लाह से पहले रोज़े वाले दिन ही बर्थडे और उसके लिए ये उसके चाचू, उसकी फुफ्फो और वो सारे ना गिफ्ट्स वगैरह लेके आ रहे हैं, बड़े मज़े से सेलिब्रेशंस करने की तैयारी हो रही है कि उसको सरप्राइज़ दिया जाए, उसको ज़रा अच्छा फील कराया जाए। ये मेरा बेटा जा रहा है ट्यूशन पर, अभी अभी मुझे ना साइमा की कॉल आई है तो मैं अभी कह रही थी उसके ड्राइवर का नंबर लिए अपने ड्राइवर को दूंगी, क्योंकि आजकल हमारा नया ड्राइवर जा रहा है ट्यूशन पे बच्चों को लेके कि वो उनके ड्राइवर से रब्ता कर ले और वो समोसे ले आए। तो फिर मुझे लग रहा है इंशाल्लाह हम पहले रोज़े की इफ्तारी साइमा के बनाए हुए समोसों के साथ करेंगे। यहाँ पे गाइस जी रमज़ान के स्टार्ट से पहले ही ना यहाँ पे जो हमारा एक बड़ा सा कारपेट था उसको कर हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वो लाइट कलर का था, यहाँ थोड़ा डार्क कलर का करते हैं। और ये जी कवर्स जो मैं इतने दिन से दिखा रहे थे अपने ब्लाउज के, वो स्टिच होके आ गए और हमने सोफों पे चढ़ा दिए ताकि ईजीली बच्चों का डर खतरा हमें ख़त्म हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये अगला कारपेट हट गया, अब यहाँ पर हम कौन सा जो थोड़ा डार्क कलर का हमारा कारपेट है ना वो बिछाना चाह रहे हैं। ये देखें जी ये वाला कारपेट खोल तो सही केड़ा है, हाँ नहीं ये थोड़े जो मेला लगता फिर तू ना एक बार इन तू बस तूवन कर लै जो दो छोड़ो उस तो बाद एक बार इस पास टाकी ना लै। ये देखें जी रमज़ान मुबारक और ये भेजा है साइमस कॉर्नर ने समोसे बनाए। ओके गाइस तो ये देखें जी अब हम इसको फ्राई करते हैं, ऑयल हमने गर्म कर लिया है, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ज़्यादा गर्म हो रहा था। ये देखिए बड़ी लग शक्ल से तो बहुत मज़े की लग रही है और अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ताकि आप लोग रेसिपी उनके चैनल से ले सकें, क्योंकि बच्चे बताएंगे आपको कि कैसे बने, हम बंदे ज़्यादा हैं।
ये भी मजे की होती है जो घर की दो बना के ना बनाते हैं, जो मेरी आंटी है ना वो भी बनाती हैं खुद समोसे, उन्हें भी खुद वो लोग बाहर की यूज़ नहीं करती, वो खुद खुद बनाती हैं, उनके समोसे भी काफ़ी मज़े के होते हैं। वाओ ये देखें जी रमज़ान करीम मुबारक 2024 लिख के उन्होंने भेजा है। अभी हमने भी स्प्रिंग रोल बनाने हैं, वो हम कल बनाएंगे इफ्तारी में इंशाल्लाह, मुझे टाइम मिल जाए। यस बेटा ये देखिए साइमा आंटी ने बनाया बेटा, ये हमारी बुशो रानी दिखाओ, ये हमारी बुशो रानी बड़ी सियानी, ये हमारे समोसे। अब पूरे रमजान में हमने इसको बुशरा बीबी नहीं कहना, हमने इसको बुशो रानी कहना। आ जाओ बुशो रानी, ये मेरी खासुल खास बुशो रानी है। ये गाइस समोसा, और इसको अब हम चेक करेंगे, ये देखें अंदर इसकी क्या है। वाह जी वाह क्या बात है, चलिए टेस्ट करते हैं। जबरदस्त, कैसा है इसको दिखाओ, मैं जरा को दिखाओ कैसा है भाई। बहुत मजे का, बहुत मजे का। थैंक यू बोलो। थैंक यू साइमा आंटी। ये आलू वाले फ्रीज पराठे हैं और ये अभी हम बनाएंगे, और सहरी में हमारा दिल है कि हम यही लें, सहरी की तैयारियां हो रही है ना, और ये अभी हम बना के आपको दिखाते हैं, ये आलू वाला फ्रीज पराठा। तो गाइज आज ये हमारी, ये जो मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ हमारी फर्स्ट सहरी की वीडियो, और मुझे बच्चों ने फरमाइश की थी कि सहरी में वो आलू वाले पराठे कैंसिल हो गए थे, उन्होंने कहा जी हमें चाहिए आलू की भुजिया, और वो भी तवे वाले आलू, तवे पे भी ये बनते हैं। तो ये जी मैंने ऑयल लिया, आलू कटिंग करके पहले ही रख दिए थे मैंने रात में पानी के अंदर, वो डाले हैं, साथ ही नमक मिर्च कुटी मिर्च और एक टमाटर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ये सारी चीज़ें डाल के इसको दे दूँगी मैं दम, और जब ये गल जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम अंडे डालेंगे, तो एक बड़े मज़े का आलू अंडा बन जाएगा जो कि हम सहरी में इस्तेमाल करेंगे पराठों के साथ, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है आलू अंडा या आलू से बनी चीज़ें, तो ये डिसाइड हुआ है कि ये हम बच्चों के लिए। तो ये देखें जी ये हमारा आलू अंडा ऑलमोस्ट रेडी है, अब बस बच्चों को उठाने की तैयारी करते हैं कि उठें और सैरी करें। देखें गाइस ये जाग हमने लगाई थी ना दही, किस कंडीशन जी जी ये देखें जी माशाल्लाह बड़ा प्यारा दही जम चुका है, ये चेक बस इसको ना चम्मच चम्मच बच्चे लस्सी भी ले रही है, दो दस ग्लास लें तो उसे चार बहुत अच्छी ज़बरदस्त हमारा दही जम गया है। ठीक है अभी भी आधा घंटा, एक घंटा भी लेट है तो क्योंकि हम बंदे ज़्यादा हैं तो इसलिए जल्दी उठ गए हैं, तो एक घंटा भी टाइम है तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह, और बड़ी मज़े की है हमारा जो दही है ना वो जमा पड़ा है। ये यहाँ जी बच्चों को उठाने से पहले यहाँ पे हम लोग लस्सी और सारा खाना शाना लगा रहे हैं ताकि बच्चे उठें और वो सैरी कर लें, और इसके बाद वो नमाज़ वगैरह पढ़ लें, इबादत कर लें और फिर सो जाएं। और अभी मैं आपको चल के बाहर दिखाती हूँ रोटियाँ हमारी कहाँ पक रही हैं। रोटियाँ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि हमारी बाहर ना लकड़ी वाले चूल्हों पर पकती हैं, तो ये बाहर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर देखें कोई बैठा है कि नहीं बैठा, जी बिल्कुल जी यहाँ पे जी कुछ रोटियाँ पक गई हैं, जो बाहर हमारे पास साथ रहते हैं मुलाजिम उनको वो सैरी पकड़ाने के लिए गए हैं, और अभी यहाँ पे और रोटियाँ पकेंगी, बाकी अभी वो बाहर वालों को सैरी दे रहे हैं जो बाहर हमारे साथ रोज़ा रखना चाह रहे हैं लोग उनको। यहाँ पे जी थोड़ी सी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं, एक तो इफ्तारी की भी तैयारी करनी है, साथ बर्थडे के हिसाब से भी सेटिंग करनी है इफ्तारी के हिसाब से भी, और साथ ही ये हमें ये सरप्राइज़ मिला है कि मेरे भाई जो है ना जो ज़ियारात पे गए हैं वो आ रहे हैं और वो यहाँ आएंगे आज बर्थडे के लिए, तो बस फिर ये देखें साथ ही फ्रूट चाट बन रही है और साथ ही इफ्तारी की भी तैयारी हो रही है, खाना भी तैयार करना है, अभी मुझे जाना है कुछ चीज़ें लेने हैं वो भी ले कर आनी है। आलू आपने इसलिए बॉयल कराए थे? सही सही वाह, मिर्चें ज़्यादा हो गई मुझे लग रहा है, फिर मैंने थोड़े से और किए इसलिए ज़्यादा हो गया मसाला मेरा। कौन सा लेना है? ये सारे ही अच्छे हैं, उससे पूछ लें कौन सी ब्लैक ले लें, ब्लैक नहीं अच्छा लग रहा है। ये ले बस जी, मैं रास्ते पहले जो आपको समोसे दिखाए हैं वो मेरी आंटी बना रही हैं किचन में, और मैं ये बाज़ार गई थी कुछ केक वगैरह अपने हस्बैंड के साथ लेने और ये कैंडल्स वगैरह, और अब वापस जाके जी बड़ी जल्दी जल्दी इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है और सब कुछ तैयार करना है, कुछ तैयार करके नहीं आई थी, तो यहाँ पर जी बस जल्दी जल्दी आके अब रोल फ्राई करना चाह रही हूँ जो कि बना के रख गए थे, साथ समोसे फ्राई करने थे, फ्रूट चाट को रेडी करना था क्योंकि फ्रूट चाट उस टाइम कम्प्लीट नहीं हुई थी, जाते हुए फ्रूट कम था तो और फ्रूट लेके आई हूँ, तो बस लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, और फर्स्ट ये शायद रोज़े की वजह से ऐसे हुआ है, क्या हुआ है कि हर चीज़ लेट 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 होती जा रही है, टाइम के कोई मैनेजमेंट सही तरह से हुई नहीं, मतलब इधर से इफ्तारी का टाइम होने वाला है, बच्चे वगैरह टेबल पे बैठ चुके हैं और इधर से साथ साथ चीज़ें बन रही, मतलब जो एक चर्च से मैं टेबल लगाना चाह रही थी ना वो मेरा बस कैसे लगा वो आप खुद देखिएगा और बताइएगा कि टेबल कैसे लगा, और खाना इसके बाद हमने सर्व करना है। और यहाँ पर जी ये मैंने चिकन वेजिटेबल मिक्स टाइप के रोल्स बनाने थे, उनका मसाला भी बस मैंने जल्दी रेडी किया, चिकन को मैं बॉयल कर गई थी, साथ आलू जो हैं वो मैश करके उसमें
उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च ऐड किया था, शिमला मिर्च काटी है, गाजर थोड़ी सी काटी है, थोड़ी सी बंद गोभी काटी है, सोया सॉस विनीगर थोड़ा सा ऐड किया, काली मिर्च नमक, और जल्दी से ये मसाला रेडी किया, इसको ठंडा किया और थोड़े से रोल बस बनाए हैं ताकि बाकी के हम बाद में बना लेंगे। यानी ऐसी कुछ चज की मैं इसकी वीडियो तो गाइस इधर से इफ्तारी का टाइम हुआ खड़ा, इधर साथ के साथ समोसे फ्राई हो रहे हैं और होते रहेंगे और इफ्तारी स्टार्ट हो जानी, जो मुझे सीध नजर आ रहा है सब कुछ इकट्ठा। ये दही भले हमने रखे हैं साथ, की हमने घर के बने समोसे रखे हैं साथ, हमने रोल्स रखे हैं, ये बाहर से भी अब समोसे लाए थे, दही भले लाए हैं, फ्रूट चाट हमने घर बनाई है, इस तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। अभी रोल फ्राई हो रहे हैं और यहाँ भी कोई बच्चा मेरी हेल्प कर रहा है रोल फ्राई करने में, तो ये देखेंगे अभी बस हम लगाते हैं और इफ्तारी होती है। और इसके बाद ही हमें मिला सरप्राइज़ कि एसएस भाईजान जो ज़ियारात पे गए हुए थे वो आ चुके हैं और वो मेरी बेटी की बर्थडे सुन के वो सरप्राइज़ देने हैं, उनका हमें बिल्कुल नहीं पता था। बाकी सब लोग इफ्तारी के टाइम पर आ चुके थे, बर्थडे के लिए वो अचानक से बाद में आए, जिसके लिए हमने केक भी लेट कर दिया और साथ में हमने जी खाना भी उनके इंतज़ार में रोक लिया ताकि वो आ जाएँ तो उनका हम इस्तकबाल भी करें और इसके साथ साथ उनके साथ बैठ के खाना खाएं, गपशप करें। उनकी बड़ी मेहरबानी, इतने थके हुए थे लेकिन वो हमें सरप्राइज़ देने आ गए कि जी उनकी भांजी की बर्थडे तो उन्हें आना चाहिए। और ये जी माशाल्लाह से हमारा टेबल लगना स्टार्ट हो गया, जैसा भी लगा है बस ऐसा ही लगा, देखें आप। और यहाँ जी बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो गई है, वो हमने ट्रॉली पे केक वगैरह सेट कर रहे हैं और साथ ही हम वेट कर रहे हैं एसएस भाईजान ताकि वो आ जाएं तो उनके साथ मिलके हम केक कटिंग करें, बस अब उनका वेट है। अभी अभी हमने गाइस एसएस भाईजान आ गए हैं और बर्थडे की बर्थडे थी तो अपने घर की तरफ नहीं गया तो सीधे हमारी तरफ घर आए हैं और बस देखें ये फूल फूल है, ये फूल ये दिखाओ, ये फूल लेके मिली है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है सारा, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ये गाइस सब बच्चे बहुत कितने एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा, तुम्हारी बर्थडे की खुशी में वो घर नहीं गए सीधे हमारे घर आ गए। लाच है, लाच है बत्ती बा मेरी क्या आके गई आज ये लाला इथाई 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 रखते औलाद लीड कर, लाला जल्दी कर, मारू कुछ को ऊंचा कर, मारू इसको थोड़ा ऊंचा कर, वो रोक नहीं जली है बस खत्म भी हो गए एक ही शाही ये देखिए गाइस यहां पे एसएस भाईजान का हो रहा है इस्तकबाल। रमीन मामा आ गई। ये आज हंसी है बच्ची तब से, ओके इतनी सीरियस है। चलो चलो ले जाओ बेटा, रखो आज हंसी, आज आज रामीन खुश हो गई, बहुत मुबारक हो। अब दुरूद ये बुल्लू है वो एस लेलो बुखारी वो ये देखिए गाइस एसएस भाईजान का इस्तकबाल लाइट के साथ सिकंदर भाईजान। हां जी चलो एस लेलो बुखारी जिंदाबाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट शेयर एंड प्लीज बेल आइकन बटन चलो। तो गाइज एसएस भाईजान आ गए तो देखें एक रौनक होती है, हर बंदे की अपनी रौनक होती है, एसएस भाईजान की रौनक की तो क्या है। वो आते आते साथ ही देखें माहौल कितना चेंज हो गया है, पहले भी देख रहे थे आप इफ्तारी के टाइम, अब भी देख रहे हैं। और यहाँ पे जी बस अब हम केक काटेंगे और बस उनके हंसी मजाक जारी रहता है, वो जैसे करते हैं उनकी आदत है। और ये मज़े का हमारा ये केक देखें जी, HBD उमेज़ारा मेरी बेटी का नाम। और ये देखें कितनी खूबसूरत कैंडल्स जो अभी मैं बाय करके लाई हूँ, स्पेशल जाके मुझे बड़ा दिल कर रहा था ये कैंडल्स लेने का, उसके लिए मैंने ये कैंडल्स भी बाय की कि केक के साथ मैं रखूँगी या टेबल पर मैं
इनको तो साइड यार अब आगे कर दे ऐसे और यहाँ जी माशाल्लाह अपने चाचे इमामों के साथ खड़े होके अपने बाबा के साथ भाइयों के साथ खड़े होके उम्मे ज़रा कह रही है जी केक कटिंग अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे साथ तंदुरुस्ती वाली और साथ अल्लाह उसको अच्छे नसीब करे मामी ये हमारे कमेंट्री वाले अंकल चाचू ये देखे कैसे लोग टेबल से उठा के खा लेते हैं अभी कोई भी नहीं बैठा यहाँ पे और क्या उन्होंने पहले नहीं खाया हुआ ਯਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਿਨੀ ਯੋਦਾ ਕੋਲ ਰਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਬੋ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਪੜ ਮਸਾਲਾ ਪਾਪੜ ਕੀ ਕਰ ਆਪਕੀ ਪਸੰਦ ਦੇਸੀ ਕੁਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਕੇ ਮਾਮੋ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਆਪਕੇ ਮਾਮੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸੇ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਹਾਂ सब मिसालों वाला देसी मुर्गा रोस्ट चिराग आ जा चेंदा जाना ऐसे नहीं था उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा पहले की तरह दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।